सर्व समाज जन जागरण मंच द्वारा शहर में 31 श्रृंखलाबद्ध सुंदरकांड और कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को इंदिरा नगर में चमत्कारी बालाजी मंदिर पर 20वां आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और धार्मिक अनुष्ठान हुए। जन जागरण सर्व समाज द्वारा आयोजित हो रहे 31 श्रृंखलाबद्ध संगीतमय सुंदरकांड व कोरोना योद्धा सम्मान समारोह की कड़ी में शनिवार को श्री चमत्कारी बालाजी मंदिर इंदिरा नगर में 20वें आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों, मातृशक्ति व सर्व समाज जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सबसे पहले शाम 4 बजे श्री रामचरित्र मानस एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित प्रश्नावली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में बाल वर्ग एवं युवा वर्ग के बच्चों में प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में बाल वर्ग से कुल 50 और किशोर वर्ग से कुल 21 बच्चों ने भाग लिया। सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और ट्रॉफी दी गई। आयोजन में गाड़ी लोहार बस्ती ग्वालटोली से धूमधाम से गाड़ी लोहार समाज द्वारा लाई गई ध्वजा को बालाजी मंदिर पर स्थापित किया गया। साथ ही चमत्कारी बालाजी मंदिर व उपस्थित श्रद्धालुओं ने गाड़ी लोहार समाजजनों का स्वागत भी किया। इस अवसर पर बतौर अतिथि पूर्व MD मेडिसिन डॉक्टर NK गोयल, साहित्यकार व कवियत्री प्रेरणा ठाकरे, जिला जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मालवी, जिला राजपूत महासभा के सचिव गजेंद्र सिंह चौहान, भील सेवा संगठन के संरक्षक हरि सिंह खराड़ी, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष विष्णु परिहार, गाड़ी लोहार समाज के बाबूलाल लोहार, वाल्मीकि समाज के अजय दगले, समाज सेवी बालकृष्ण सोलंकी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद शर्मा, बालाजी धाम के सचिव युगल किशोर शर्मा, पर्यावरण संरक्षक किशोर बागड़ी, राजपूत महासभा के युवा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल सिंह कोठेरिया आदि अतिथिगणों द्वारा मंदिर क्षेत्र में निवासरत कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सोंधिया राजपूत समाज के जिला महामंत्री अनिल सिंह परिहार एवं आभार एडवोकेट दिलीप शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया।